अस्सलाम वालेकुम, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 18। सो वी हैव इन दिस लेक्चर द पिजन होल प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पिजन होल प्रिंसिपल। सो व्हाट इज द पिजन होल प्रिंसिपल स्टेटमेंट है द पिजन होल प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ पी एटम पिजन्स पी फॉर पिजन्स आर पुट इन टू एच पिजन होल्स विच पी इज ग्रेटर दैन एच मीन्स के पिजन जो है हमारे पास पिजन होल से ज़्यादा है देन एट लीस्ट वन पिजन होल मस्ट कंटेन मोर देन वन एटम। तो एक कम से कम एक पिजन होल में एक से ज़्यादा पिजन्स को हमने रखना है। तो ये पिजन होल है कि हमारे पास पी पिजन्स हैं लाइक दिस हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम में हमारे पास जो है ना 10 पिजन्स हैं और 9 पिजन्स होल है, यानी कि पिजन होल का मतलब उनके पिजन के रहने की जगह जो बॉक्स हैं। तो 9 बॉक्स हैं और 10 पिजन्स हैं। तो 10 पिजन्स को हमने 9 बॉक्स में एडजस्ट करना है। तो पहले तो एक एक बॉक्स में एक एक पिजन आ जाएगा, तो 9 पिजन्स 9 बॉक्स में आ गए। तो जो एक पिजन बचेगा ना उसको हमने किसी ना एक ऐसे पिजन होल में रखना है कि जहाँ पे ऑलरेडी एक पिजन है। तो कम से कम एक इसे ज़्यादा एक कम से कम एक बॉक्स में फिर क्या होगा, एक से ज़्यादा पिजन आ जाएगा। अगर 10-11 है तो दूसरे में एक और आ जाएगा। तो इस तरह ये है कि हमारे पास पिजन ज़्यादा हैं और पिजन होल कम है, तो हमने उन पिजन्स को उस पिजन होल्स में एडजस्ट करना है। तो एक कम से कम एक पिजन होल ऐसा होगा कि जहाँ पे एक पिजन एक्स्ट्रा होगा, एक से ज़्यादा पिजन हो गए। तो ये हमारे पास पिजन होल प्रिंसिपल है कि किस तरह हमने पिजन्स को पिजन होल में एडजस्ट करना है। तो अगर नंबर ऑफ पिजन ज़्यादा होंगे तो उसको हम पिजन होल में कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ये तो इसको हम पिजन होल प्रिंसिपल कहते हैं। तो इन मैथ में कैसे यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं द पिजन होल प्रिंसिपल। इसकी डेफिनेशन है इफ़ के इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड के प्लस वन और मोर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस इन एक्स बॉक्स के बॉक्सेस देन देर इज़ एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग टू और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये इसकी जनरल डेफिनेशन आ गई। जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल क्या है कि इफ एन पिजन होल्स आर ऑक्यूपाइड बाई के एन प्लस वन और मोर पिजन देन एट लीस्ट वन पिजन होल इज ऑक्यूपाइड बाई के प्लस वन और मोर पिजन। यानी कि एक बॉक्स में क्या होगा कि एक से ज़्यादा पिजन हमारे पास आ जाएंगे, तो इसको जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव 7 पिजन एंड 3 पिजन होल्स। अब 7 पिजन हैं और 3 पिजन होल्स हैं, देन हाउ मैनी पिजन आर प्लेस्ड इन पिजन होल्स। तो कितने प्लेस करेंगे पिजन होल्स में। अब इधर इसको जनरलाइज प्रिंसिपल के तौर पर हम किस तरह लेंगे कि एन हमारे पास 3 आ गया और के एन प्लस वन हमारे पास 7 आ गया, तो हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पुट के एन इज इक्वल 3, तो वी हैव k इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई एंड k प्लस 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अगर हम 7 पिजन्स को 3 पिजन होल्स में एडजस्ट करें तो ये नीचे डायग्राम में देखो कि ये तीन बॉक्सेज हैं, तो ये पिजन होल है। अब 7 पिजन्स है, P1 को हमने फर्स्ट बॉक्स में एडजस्ट किया, P2 में सेकेंड, P3 हमारे पास थर्ड, फिर P4 हमारे पास फर्स्ट पिजन बॉक्स में आ जाएगा, P5 और P6। तो एक पिजन P7 बचेगा। दो के इजिकल टू 2 का मतलब कि कम से कम दो पिजन्स हमारे पास आ गए, और K प्लस 1 इजिकल टू 3, तो एक बॉक्स ऐसा होगा ये जिसमें 3 पिजन्स हमारे पास होंगे। तो वो थर्ड पिजन बॉक्स में हमारे पास P3, P6 और P7 हमारे पास एक एक्स्ट्रा पिजन हमारे पास उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये पिजन होल्स में हमारे पास एटलीस्ट में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें 3 पिजन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो पिजन होल्स प्रिंसिपल हमारे पास ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ पिजन होल होते हैं और नंबर ऑफ पिजन्स वहाँ पे हमने कितने कितने एडजस्ट करने हैं उसके लिहाज से हम ये फार्मूला लगाते हैं कि एन प्लस वन हमारे पास होगा, एन हमारे पास पिजन नंबर ऑफ पिजन्स होंगे, और के प्लस वन जो होगा कितने ज़्यादा हमने पिजन्स को एक एटलीस्ट वन बॉक्स में एडजस्ट करना है। तो ये हमारे पास मुकम्मल थ्योरी है पिजन होल प्रिंसिपल की। तो नेक्स्ट
अब इसके क्वेश्चन को कुछ हम सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास सो डैट फोर ऑफ देम आर बोर्न इन सेम मंथ। कम से कम चार जो है ना वो सेम मंथ में पैदा हों, तो हमने फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो हेयर एन इज इक्वल टू टोटल मंथ, जो मंथ है सेम मंथ का मतलब ये टोटल मंथ हमारे पास 12 होते हैं, तो एन इज इक्वल टू 12 आ गया। के प्लस वन हमारे पास 4 आ गया और के की वैल्यू 3 आ गई। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या फार्मूला है, के एन प्लस वन। वैल्यू पुट आउट करेंगे 3 इंटू 12 प्लस वन इज इक्वल टू 37। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने होंगे, 37 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो डैट इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स एट लीस्ट 5 आर बोर्न इन सेम मंथ। 50 स्टूडेंट में से पाँच जो एटलीस्ट कम से कम पाँच जो है ना वो सेम मंथ में पैदा हों। तो हेयर एन इज इक्वल टू 12 है नंबर ऑफ मंथ, एंड के एन प्लस वन हमारे पास 50 है। यहाँ पे के एन प्लस वन हमारा 50 है, तो के इंटू 12 प्लस वन इज इक्वल टू 50 हो गया, क्योंकि एन की वैल्यू हमने पुट आउट कर दी। यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इधर प्लस वन जाके माइनस वन हो जाएगा, तो के हमारे पास हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 12। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 48 होता है, तो के इज इक्वल टू 4 और रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 रिमाइंडर 1 आ गया। तो एटलीस्ट 4 प्लस 1, अगर हम 4 उसमें रिमाइंडर प्लस 1 कर दें तो हमारे पास 5 स्टूडेंट्स आर बोर्न इन द सेम मंथ आ जाएगा। तो के की वैल्यू को हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो के प्लस 1 हमारा जो फार्मूला था, तो k की वैल्यू 4 आ गई और उसमें प्लस 1 कर दिया, तो 5 स्टूडेंट्स आर बोर्न इन द सेम। तो हमने यही 5 प्रूव करना था कि 5 स्टूडेंट्स आर बोर्न इन द सेम मंथ। तो ये इस तरह के क्वेश्चन थे। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिजन होल प्रिंसिपल की ये पिक्चर फॉर्म में बताया हुआ है, ये अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया। तो 10 पिजन्स हैं, 9 पिजन होल हैं, तो उसको एडजस्ट करना है, इस तरह हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये हमारे पास पिजन होल का प्रिंसिपल, पिजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट, उसकी डेफिनेशन और कुछ क्वेश्चन थे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। विश यू गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।